नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान को अब कुछ ही वक्त बचा है। 8 फरवरी यानी कि कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। वहीं अगर बात की जाए मुद्दों की तो आज हम बात कर रहे हैं आम मुद्दों से शाहीन बाग तक, यानी कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव को सभी पार्टियों ने जो मुद्दा बनाया है वो आम आदमी पार्टी से लेकर जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वो आम मुद्दों को लेकर से लेकर शाहीन बाग तक देखने को मिला है। आम मुद्दों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे ताल्लुक रखता है। जिस तरह से जनता के बीच आम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सीधा पहुंची है जनता के बीच, तो वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो शाहीन बाग का मुद्दा बीजेपी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अब बीजेपी ने शाहीन बाग को लेकर आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए, तो वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने भी एक पीछे से जो अपनी शक्ति दिखाई है और एक जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं एक जो प्रतियोगिता का माहौल देखने को मिलता है वो पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में देखने को मिल रहा है। वही बात की जाए आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव प्रचार थम चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली की जनता को दिल्ली के दबंग का नारा दिया है, जिससे कि जागरूकता फैले मतदाताओं में और मतदाता ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो सके और अपने मतों का प्रयोग कर सके। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सपा नेता रितु खन्ना जी जुड़ रही है। जी रितु जी, एबीसी स्टार न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको सबको नमस्कार। जी रितु जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव कल मतदान होने हैं और अगर बात की जाए दिल्ली के दंगल की तो बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में नजर आए, उन्होंने भी ताबड़तोड़ रैलियां करी दिल्ली में, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, अब इनके पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया, कोई काम इन्होंने किया नहीं, केवल मन की बातें करी है और मन की बातों सुनी नहीं किसी जनता की। तो जनता तो सड़क पर उतरेगी अपनी बातों को रखने के लिए, जब हमारे देश का प्रधान उसकी बात सुनेगा नहीं केवल मन की बात रखेगा। तो यही हाल हुआ है इसमें भी, अब जो है इन्होंने जनता के पास नहीं अपनी बात केवल रखी है, इसकी जनता अब आज सड़क पर उतर आई है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी भी हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। जी अजय जी, आप अपनी बात रितु जी के साथ रख सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ रितु जी से कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने दिल्ली चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की, स्टार प्रचारक के रूप में रहे और अभी हाल ही में उन्होंने गंगा यात्रा का भी शुभारंभ किया। तो समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते उनका क्या स्टैंड है शाहीन बाग को लेकर? पूरा तो भाजपा का है, जितने भी सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सब आए हुए हैं, जितने उन्होंने अपने मैनिफेस्टो दिया है सब एक हवाई किले की तरह है। आप ये समझ लीजिए दिन में सपना दिखाना, इतनी झुग्गी है सबको कंफर्म कर देंगे सब। मैंने भी पढ़ा था तो कोई इन बातों में कुछ रखा नहीं है, जनता सब बहुत त्रस्त है। जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जनता इस सबको ध्यान में रखेगी और उसी हिसाब से वोटिंग करेगी, चाहे कोई कितनी भी रैली कर ले, अब जनता इसकी बहकावे में आती नहीं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अमित योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने से दिल्ली के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, सटा हुआ एनसीआर साथ में है, उत्तर प्रदेश का हाल सब देख ही रहे हैं क्या है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में स्वस्थ हुई पड़ी है, बेरोजगारी छाई हुई है, सिर्फ बातें केवल हो रही है, कोई दिन में सपना दिखाना सबको हो रहा है, कोई भी इनके पास कोई प्लान नहीं है। कोई चीज अगर आप किसी चीज को लाएंगे तो उसको कैसे अनंत करेंगे, इसका कोई प्लान है ही नहीं। जी, कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में ही सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कर नहीं पाए तो दिल्ली में रैली कर उन्हें कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, हासिल नहीं होने वाला। जी रितु जी, हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हम लगातार प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि आम मुद्दों से लेकर शाहीन बाग तक जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए हैं, इन मुद्दों को लेकर तमाम राजनीति भी की गई, वही बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है दिल्ली के दंगल में। वही आपको बताते चले कि दिल्ली के जो दबंग है यानी कि मतदाता जो वोटर्स है वो वोटर्स को प्रभावित करने के लिए ये नारा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उन्होंने दिल्ली के दबंग के नारा दिया है मतदाताओं को। वही अगर बात जब दिल्ली के दबंगों की हो रही है तो इतना तो जाहिर है कि दिल्ली के दबंग इतना जानते हैं और वो उन्हें पता है कि चाहे जितनी राजनीति कर ली जाए लेकिन इस राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आप
जानते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं और भली भांति समझते हैं कि आखिर उनकी क्या प्राथमिकता है और क्या उन्हें जो राजनीति की जा रही है, जो नेता उनके सामने जो वादे कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो सामने ला रहे हैं, क्या वो पूरे करेंगे या नहीं। तो इस तरीके से दिल्ली के जो दबंग है, जो मतदाता है, वो कल अपना ऐलान करेंगे, कल अपना मतदाता जितने हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही 11 फरवरी को मतगणना की जाएगी, रिजल्ट सबके सामने होगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हम बात कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं आम मुद्दों से लेकर शाहीन बाग तक के जो मुद्दे बनाए गए, नागरिकता संशोधन कानून से लेकर जिस तरीके से राजनीति की गई, सियासी रोटियां सेकी गई इस पर, और इसको लेकर अचानक से जो आम मुद्दों पर सभी पार्टियों का ध्यान एक साथ केंद्रित तो हो गया, इन सब के बीच में एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप किया गया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन इन सब के बीच में जो जनता है, जनता कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति की जा रही है दिल्ली के दंगल में, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिन मुद्दों को भुनाया जा रहा है, तो उन्हें देखते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक राजनीति का ही एक हिस्सा बनकर रह गया है विधानसभा चुनाव भी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आम मुद्दों को लेकर चल रही है, वही बीजेपी ने पहले तो राष्ट्रीय मुद्दों को ही सबसे आगे लेकर चली, उसके बाद जब उसे बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को शायद कहीं ना कहीं यह आभास हो गया है कि अगर जब इस तरह के विधानसभा का चुनाव होते हैं तो उसमें स्थानीय मुद्दे ही आगे लेकर जाते हैं, और बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव और भी ज्यादा अहम है क्योंकि 22 साल बाद वनवास लौटने जैसा है। ऐसे पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अजय जी, आपसे जानेंगे, दिल्ली विधानसभा का चुनाव में एक काफी दिलचस्प हो गया है देखना, जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर घमासान देखने को मिला, आम मुद्दों से लेकर शाहीन बाग तक सारे मुद्दे पहुंच गए, ऐसे में जनता खुद को कहां महसूस करती है? देखिए, जनता अपने आप को खुद को कहां महसूस कर रही है, बहुत अच्छा सवाल है शिखा आपका जी। जनता देख रही है कि आखिरकार हो क्या रहा है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता ने ये देखा, विरोध का एक नया मॉडल देखा, लोकतांत्रिक देश के अंदर किस तरीके से विरोध किया जा सकता है, इसे एक नया मॉडल उन्होंने देखा है, CA, NRC और NPR को लेकर, और इसके अंदर देखा उन्होंने कि किस तरीके से राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो झंडा हो या फिर राष्ट्रगान हो या संविधान की कॉपियां हो, वो दिखाई गई हैं, और उनका इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई है। इसके पीछे जो है एक नए तरह का विरोध हमने देखा है और ये पूरे देश ने देखा है, तो वो सोच रही है आखिरकार हो क्या रहा है। दिल्ली का चुनाव जो है एक आम मुद्दों से शुरू हुआ था और आम आदमी पार्टी ने इसको शुरू किया था, बिजली पानी नाली सड़क खड़ंजे पे बातचीत शुरू हुई थी, बेसिक आवश्यकताओं पे बातचीत शुरू हुई थी, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए। चुनाव यहाँ से शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव ने अपनी गति को पकड़ा। जी अजय जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता संजय गुप्ता जी जुड़ गए हैं। जी संजय जी, एबीस्टार न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। जी संजय जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम मुद्दों से लेकर शाहीन बाग तक के मुद्दे उठाए गए, इसमें अगर बात जनता की जाए तो जनता को आप कहाँ देखते हैं और जनता को लेकर कितना गंभीर नजर आ रहे हैं सारी पार्टियां? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली के विकास के मुद्दे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट की बात है, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, नौजवानों के भविष्य पे बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, किसान पे बात करनी चाहिए, मजदूर पे बात करना चाहिए, व्यापारी पे करना चाहिए, बजाय इन सब बातों पे बात करने के आज सभी पार्टियां, आप देखिए चाहे आप पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये लगे हैं दिल्ली के अंदर मुद्दा भटकाने के ऊपर, ये जवाब देना नहीं चाहते आप पार्टी के लोग कि दिल्ली के अंदर जो विकास की बात इन्होंने कही थी, कितना विकास है दिल्ली के अंदर किया है, ये इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। संजय, अगर बात कांग्रेस की जाए तो क्या जनता से जुड़े मुद्दे जो सीधा जनता से सरोकार रखते हैं, क्या कांग्रेस इनको लेकर गंभीर है? बिल्कुल है, हमने कहा है, हमने पूछा कि जो विकास शीला दीक्षित जी ने किया था, कितने फ्लाईओवर केजरीवाल साहब आपने बनाए हैं, आप बताइए कि मोहल्ला समितियों का आपने वादा किया था, कितनी आपने मोहल्ला समिति बनाई है, आपने 3 साल से दिल्ली के अंदर पेंशन, चाहे वो महिलाओं की, विधवाओं की हो, चाहे वो बुजुर्गों की हो, चाहे वो हैंडीकैप पेंशन हो, 3 साल से आपने उसको बंद किया हुआ है,
आपने दिल्ली के अंदर पीले और गुलाबी राशन कार्ड जो है वो बंद किए हुए हैं। कांग्रेस ने वादा किया कि 5,000 रुपए महीने की पेंशन देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि हम दिल्ली का ग्रीन कार्ड जैसे दिया निश्चित की समय बड़ा था। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर कांग्रेस के जो कुछ भी मैनिफेस्टो था, जो कुछ भी मुद्दे उठाए गए थे, अगर उनसे जनता खुश थी तो शायद आम आदमी पार्टी सत्ता तक पहुँच ही ना पाती। देखिए उस समय पे तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया, अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और किस तरह से झूठ बोला आज तक जिन लोग पाल ये लोग नहीं ला पाए, ना केंद्र की सरकार ना दिल्ली की सरकार। पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 साल से दिल्ली की एमसीडी के अंदर आज काबिज है। इनके लगातार मेयर बनते हैं, करप्शन से डूबी हुई कॉरपोरेशन है दिल्ली में। कोई काम सफाई से लेकर के और सीलिंग तक कोई काम इन्होंने लोगों का नहीं किया कॉरपोरेशन के अंदर। किस तरह से मोस्ट करप्ट ये कॉरपोरेशन है पूरे विश्व की, तो ये सारी चीजें सामने है। बीजेपी का परफॉर्मेंस भी सामने है, आप पार्टी का परफॉर्मेंस भी सामने है, और दिल्ली वालों के सामने वो विकास का मॉडल भी है जो शीला दीक्षित ने दिया था। हम उसी मॉडल को आगे रख करके विकास की बात को लेकर के, बेरोजगार को नौकरी देने की बात को आगे लेकर के, हम बुजुर्गों को आगे रखना चाहते हैं, उनको पेंशन दे करके, सारी चीजें विकास के डेवलपमेंट की बात, साफ हवा साफ पानी की बात लेके कांग्रेस आज सामने है। जी संजय जी लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने फ्री कार्ड के साथ साथ जो गारंटी कार्ड जनता के सामने ला दिया है, तो ये कुछ ज्यादा ही जनता को प्रभावित करता नजर आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जो गारंटी कार्ड की बात है, जो पहले डिफॉल्टर्स हैं उनके गारंटी कार्ड की वैल्यू क्या आप बताइए। इसी केजरीवाल साहब ने कहा था ना कि दिल्ली के अंदर 20 नए अस्पताल बनाएंगे। कितने अस्पताल बनाए बता दीजिए, अगर एक बनाया हो तो मुख्यमंत्री ने दोबारा बना दिया जाए। इन्हीं लोगों ने कहा था कि नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी, विश्वविद्यालय बनेंगे, 20 नए विश्वविद्यालय की बात की थी। आप बता दीजिए अगर एक नया विश्वविद्यालय पिछले 6 साल में दिल्ली में बना हो। संजय जी लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर साफ तौर पर कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कि अगर मैंने कोई काम किया है, अगर मैंने विकास कार्य किए, जो वादे किए, जो पूरे किए हैं, तो ही आप मुझे वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का। बात कही है उन्होंने, कहा है कि अगर मैंने काम किया तो काम मैं गिरा रहा हूँ ना आपसे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि उन्होंने 15 लाख सीसीटीवी की बात कही थी, अगर 15 लाख सीसीटीवी को छोड़ दीजिए 1.5 लाख भी लगा दिए तो मैं कह देता हूँ कि आप केजरीवाल साहब को वोट दे दें। मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने कहा था सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, एक भी कर दिया हो तो इनको वोट दे दें। अगर इन्होंने कहा था कि अस्पताल के अंदर जो टेम्परेरी कर्मचारी है इनको हम परमानेंट करेंगे, एक भी कर दिया हो तो इनको वोट दे दें। कितना विकास किया ये तो जनता अपना निर्णय कल दे देगी कि किसने कितना विकास किया, तो जनता ने किसे पसंद किया है ये 11 फरवरी को पता चल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से एक वोटों की जो राजनीति देखने को मिल रही है, चाहे वो आम मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो, एक तरफ अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर दो मुद्दे नजर आ रहे हैं। एक तरफ है स्थानीय मुद्दे और एक तरफ है राष्ट्रीय मुद्दे, जिन दोनों ही मुद्दों के बीच एक टक्कर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर तीन पार्टियां जो मुख्य रूप से देखने को मिल रही है वो है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो वही बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करके उन्हीं मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई चीजें वो सामने घोषणा पत्र में अपने लेकर आती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता को एक तरीके से भटकाने का, जनता को एक तरफ से आकर्षित करने की पूरी कोशिश की जा रही है तमाम नेताओं की तरफ से, और जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की गई जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आ गया और लगातार जो रैलियां की गई और जिस तरह से रोड शो किए गए, तो उसमें एक ताकत जो एक शक्ति प्रदर्शन सभी पार्टियों का था वो भी देखने को मिला था। अगर बात बीजेपी की जाए तो काफी समय तक वो राष्ट्रीय मुद्दों पर टिकी रही कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वो जनता को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन शायद आभास था इस बात का कि अगर विधानसभा चुनाव है तो स्थानीय मुद्दों को नकारा तो नहीं जा सकता। इसी को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2 रुपए किलो आटा देने की बात कही है, छात्राओं को स्कूटी साइकिल देने की बात कही है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी फ्री कार्ड और गारंटी कार्ड की बात करती है, तो एक बार जनता एक बार सोचने को मजबूर होगी कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी आम मुद्दों की ओर भी बढ़ रही है, आम मुद्दों से जुड़ी हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि जो एक वनवास है बीजेपी का वो खत्म हो जाए। तो बीजेपी के लिए इस दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो जीत होगी वो एक ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि एक लंबा सफर तय कर लिया है बीजेपी ने और जिस तरह से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है आम
दिलचस्प होगा 11 फरवरी को जब नतीजे आएंगे। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अजय जी, आपसे जानेंगे जिस तरीके से पूरे इस चुनाव में जो एक दंगल देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और जो बीजेपी अंतिम दिन तक में जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई नजर आई है, क्या इसका प्रभाव कितना ज्यादा होगा? मुझे लगता है कि लगभग कम से कम 20 से 25 सीटों पर इसका प्रभाव रहेगा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही आक्रामक राजनीति की है। जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था शिखा आपसे कि बहुत ही आम मुद्दों से चुनाव शुरू होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की जो है धन्यवाद रैली होती है, झुग्गी वालों को जो कच्ची कॉलोनी वालों को पक्के मकान दिए गए, और उसके बाद जो है एक रैलियों का दौर शुरू होता है जिसके अंदर अमित शाह जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ आते हैं वो रैली करते हैं, सांसद प्रवेश वर्मा के बयान आने शुरू होते हैं, अनुराग ठाकुर के बयान आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने देखा कैसे ये जो इलेक्शन कैंपेन है आक्रामक होता चला गया और बीजेपी ने कांग्रेस और आपको पूरी तरह घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और उन्होंने जिस तरह की राजनीति की और शाहीन बाग के मसले से एक इस्लामिक एजेंडे की एक तरीके से डिमांड उठ रही थी या उसको लागू करने की जो साजिश थी वो उठ रही थी, और उसको चुनौती देते हुए मोदी और मोदी की ब्रिगेड दिखाई दी कि उन्होंने इस्लामिक एजेंडे को चुनौती दी है कि नहीं, क्योंकि इस्लामिक एजेंडा जो है पाकिस्तान लागू करना चाहता है और 1971 के युद्ध के बाद से उसकी पूरी कोशिश रही है कि वो भारत से बदला ले सके, जिसके लिए कोई ना कोई वो रास्ता अपनाता है, चाहे वो यहाँ पर मनमुटाव पैदा करे। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता बकार चौधरी जी जुड़ गए हैं। बकार जी, स्टार न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत जी बकार जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी जो दृढ़ में कूदी है दिल्ली के दंगल में और लगातार जो ताबड़तोड़ रैलियां करी है, इसे देखकर क्या लगता है कि मोदी मैजिक क्या दिल्ली में चलने वाला है? नहीं देखिए, हमें नहीं लगता मोदी मैजिक दिल्ली में चलने वाला है। आप याद करें 2015 के चुनाव, 2015 के जब चुनाव हुए थे तो ये सब जगह विजय पताका फहराते हुए आ रहे थे, लेकिन वो दिल्ली ही पहला स्टेट था जहाँ पे माननीय मोदी जी ने बड़ी रैलियां की, बड़े प्राइम मिनिस्टर्स ने रैलियां की, बड़े मुख्यमंत्री ने की, और यहाँ पे आके इनका विजय रथ रुक गया था। क्योंकि दिल्ली के लोग धर्म के आधार पे वोट नहीं करते, दिल्ली के लोग अपने काम के, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो उनकी जरूरत है पूरी करे उसके लिए वोट करते हैं। ये हमने देखा भी कि यही रीजन था कि लगातार 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले 5 साल कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही, तो उस सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। जी बकार जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से शाहीन बाग को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से शाहीन बाग का मुद्दा उठ रहा है वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी फंडिंग करा रही वहां पर, वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि खुली चुनौती दी है गृह मंत्री अमित शाह को कि वो अब उनसे सीधी बहस करे, तो ये जो बहस करने के लिए उन्होंने बात बोली है ये चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्यों करी, पहले क्यों नहीं करी? नहीं मैडम, हम नहीं, ये गलत बात है। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। जब अमित शाह ने कहा कि आप मेरे नाम पे वोट दीजिए, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अमित शाह के नाम पे वोट लोग आप मांग रहे हो तो आप बहस के लिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप आइए तो कम से कम एक अच्छे माहौल में बहस हो, कम से कम दिल्ली की जनता को ये पता चले कि हमारे आने वाला भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसा काम करेगा, उसके मन में क्या, उसका विजन क्या है। क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली के अंदर, और वो चाहते हैं कि अमेरिका और विदेश की तर्ज पे एक जिसे हम चुनके ला रहे हैं सेनेट में, जिसे हम चुनके लाएंगे दिल्ली में, हम उससे कम से कम अपने सवाल जवाब कर सकें। ये खुली बहस नहीं थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे हट गए, क्योंकि बिना सोने की बारात लेके ये लोग चल रहे हैं, अभी तक इसका मुख्यमंत्री डिसाइडेड नहीं है, तो ये क्या विकास की बात करें। जी बिल्कुल, स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी जुड़े हैं। जी अजय जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मैं वकार जी से जानना चाहता हूँ, कपिल गुर्जर का कितना प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव पर? हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, और सबको पता है, जग जाहिर है, कपिल गुर्जर के पिताजी ने और उसके भाई ने खुद मीडिया के सामने आके कहा है कि आम आदमी पार्टी का ना कभी सदस्य था और ना कभी रहा, एक चुनावी माहौल था उसमें आके उसने लोगों के साथ आके संजय सिंह से टोपी पहन ली थी, हम लोग सबका वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी आज बहुत सारे लोग आए, ये हमारा संस्कार है कि हम उसको अपने टोपी और पटका पार्टी का पहनाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और कपिल गुर्जर की जहां तक बात है, देखिए अगर
हमने पहले भी कहा अगर 56 आम आदमी पार्टी से होता अगर उसको 10 साल की सजा मिलने वाली या 20 साल की सजा दी थी। हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं है हमारी पार्टी को। कोई भी गलत काम करे वो मेरा सगा भाई करे वो कोई विधायक करे हम लोग कतई उसके साथ नहीं है। हम लोग हमेशा खिलाफ है। देश तोड़ने की बात जो करेगा हिंसा की जो बात करेगा हम उसके साथ नहीं है। हमारी पार्टी उसके साथ है। वकार जी एक सवाल और है आपके लिए मेरे पास में मैं जानना चाहता हूँ शाहीन बाग का जो धरना है उसका आपने समर्थन किया है? नहीं शाहीन बाग का समर्थन या उसको विरोध भी नहीं किया आपने? विरोध भी पहले शाहीन बाग के लोग वहाँ पे शाहीन बाग इस दिल्ली का हिस्सा है शाहीन बाग और जहाँ पे धरने पे कुछ लोग बैठे हैं वो एक सड़क का मसला है। उसमें सीधा सीधा वो केंद्रीय मंत्री को या केंद्र सरकार को बुलाना चाहते हैं। अमित शाह जी चाहते तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो धरना समाप्त हो सकता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि मुद्दाहीन थी काम के आधार से वोट नहीं मांगा। ठीक है नहीं बकार जी मैं समझ गया। एक तरीके से आपकी जो पार्टी है उसने उसको समर्थन दिया है वो दिल्ली पुलिस कैसे कार्रवाई करती लेकिन इसमें सवाल ये है चुनावी मौसम में क्या इससे आपकी तरफ मुस्लिम मतदाता खिंचेंगे? देखिए हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हमारे आम आदमी पार्टी के लिए 2 करोड़ लोग दिल्ली के 2 करोड़ लोग वोट करने जा रहे हैं। हम धर्म के आधार से राजनीति नहीं करते। हमारा हमारे यहाँ पे सबका स्वागत है। अगर हमारे काम से आपको लगता है कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने आप बिजली फ्री है पानी फ्री किया है शिक्षा में सुधार लाए हैं अस्पतालों की स्थिति अच्छी की है तीर्थ यात्रा में आपके बुजुर्गों को भेजा है हम उसके नाम पे मांग रहे हैं। हमने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी क्योंकि हमारे पास मुद्दे हमने काम करके दिखाया हमने गुड गवर्नेंस चला के दिखाई है हमारे जी, पास जी, जी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी राज्य सरकार है तो ऐसे में अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उसका या तो विरोध किया जाएगा या समर्थन किया जाएगा। देखिए दिल्ली के एक दुर्भाग्य है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय के पास है। अगर यही प्रदर्शन या यही कोई भी इस तरह के प्रदर्शन उत्तर प्रदेश या हरियाणा में हो रहे होते तो वहाँ के मुख्यमंत्री के विवेक पे खड़े वो उसका समर्थन करें या विरोध करें। दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है और उसको हटाने या ना हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस तरह के प्रदर्शन होते हैं अगर दिल्ली में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो क्या राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है कोई दायित्व नहीं होता है? देखिए अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई भी प्रदर्शन होता है बिल्कुल राज्य सरकार की उसमें प्राथमिकता होती है और राज्य सरकार का मिनिस्टर या विधायक या कोई भी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है वो चाहे उनसे बात करता है और वो उन्हें आश्वासन देता है जो भी रहा। जैसे डीटीसी बस के ड्राइवर ने स्ट्राइक की थी तो हमारे यहाँ के मिनिस्टर गए और उनसे बात की वो तो रिक्शा वालों ने शाहीन बाग। देखिए शाहीन बाग का मुद्दा राज्य सरकार से नहीं है सीजन अमेंडमेंट एक्ट कौन लेके आया वो केंद्र सरकार लेके आई उनकी डिमांड भी केंद्र सरकार से है। राज्य सरकार ना इस कानून को लेके आई और राज्य सरकार का इस कानून से कोई सीधे सीधे मतलब भी नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर दूसरा जैसे आपका हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस निभाए और वहां पे जाके बात करे लेकिन गृह मंत्रालय ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया ना अपने मिनिस्टर्स भेजे हमने सब देखा मीडिया की रिपोर्ट्स हमारे पास है कोई मिनिस्टर कोई उनकी तरफ से आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं गया है तो अगर उस पर धरना तो खत्म हो चुका होता आपका। जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आम मुद्दों से लेकर शाहीन बाग तक के मुद्दे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में देखने को मिल रहे हैं वही आपको बताते चले कल यानी कि 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे जिसमें मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत और 11 फरवरी को हो जाएगा फैसला कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो कांटे की टक्कर तीनों के बीच देखने को मिल रही है जिस तरह से एक दूसरे पर चाहे आरोप लगाना हो चाहे मैनिफेस्टो को लेकर एक होड़ देखने को मिल रही है उसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि एक कांटे की टक्कर है और एक बड़ा ही बहुत बड़ा निर्णय होगा एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में हम 11 फरवरी का दिन देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से अगर बात बीजेपी की जाए तो वनवास से लौटने जैसा होगा बीजेपी के लिए तो वही कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है इसलिए कांग्रेस के लिए भी दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत मायने रखता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र प्रमुख जी
एपिस्टार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। देवेंद्र जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए, ऐसे में सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया गया वो है राष्ट्रीय मुद्दे। बीजेपी अचानक से स्थानीय मुद्दों पर आती है, अब जब फैसले की घड़ी सामने आ गई है, क्या लगता है आपको, क्या जनता का क्या रुख होगा? देखिए, आप स्पष्ट देख चुके हैं कि दिल्ली में हो क्या रहा है, दिल्ली की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी हो चुकी है और जो दिल्ली में घटना घटी है राष्ट्रीय मुद्दों की नहीं, हमने तो स्थानीय मुद्दे उठाए थे, हमने तो पूछा था केजरीवाल सरकार से, हम तो यही तो चीज चर्चा कर रहे थे बार बार कि आप बताइए, हमने 5 साल में आपने 15 लाख CCTV देने थे, कहाँ गए आपके वो 6000 बसेज आपको देनी थी, कहाँ गई वो? आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, कहाँ गया वो? दिल्ली को स्वच्छ पानी था आपकी, कहाँ वो नीतियाँ? कौन सी आपकी धरा पर कोई सी चीज हो? आप 2 महीने पहले आपको एक ड्रामा भरते हैं कि मैं आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ, आप जो आप बसों में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आप फ्री जो बसेज देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 40% क्षेत्र आपका दिल्ली का ऐसा है कि जहाँ 2-2 घंटे तक भी बसों की सर्विस नहीं है, और जो बसेज पीछे चली हुई थी पिछली सरकारों की उनमें से भी मात्र जितनी टोटल थी वो भी घटा दी आपने हजारों की संख्या में। तो आप देख क्या रहे हैं कि दिल्ली के साथ कर क्या रहे हैं आप? 5 साल में क्या किया आपने? कोई रिजल्ट कार्ड है आपके पास? कोई मैनोफेस्टो है आपका? आपने चेक किया कि मैनोफेस्टो में आपने क्या रखा था? आपने कितना उसको पूरा किया? और रही राष्ट्रीय मुद्दों की बात, राष्ट्रीय मुद्दे पे लोग लेकर आए हैं, जब कश्मीर में फेल हो गए, जब कश्मीर में इनके पत्थर बंद हो गए तो वही पत्थर इन्होंने 200 रुपए वहां देते थे 700 रुपए में साहिल बाग में भजवाना शुरू कर दिया। ये राष्ट्रीय मुद्दा आने की यहाँ मतलब है, राष्ट्रीय मुद्दा भी यही लोग लेकर आए, साहिल बाग ये लेकर आए, साहिल बाग ये बनाया पूरी दिल्ली को इन्होंने, उसका परिणाम है कि कल आपको इसका जवाब दे। बिल्कुल, लेकिन लैंड ऑर्डर आपके हाथ में है, बीजेपी के पास है, केंद्र सरकार है, तो ऐसे में एक्शन तो जो लेगी वो तो बीजेपी ही लेगी। देखिए, एक्शन लेने के लिए बीजेपी हमेशा तत्पर रही है, मैंने फिर भी कहा जाफराबाद कांड आपने देखा दिल्ली में, JEE में क्या हुआ, AMU में क्या हुआ, मेरठ में आपने पुलिस वालों की आंखें फोड़ी, जब पुलिस की सीढ़ी आंखें फोड़ी वहां गाड़ियां जलाई, तो वहां के योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी औकात बताने का काम किया कि कैसे आप पुलिस की आंखें फोड़ते हैं और कैसे गाड़ी जलाते हैं, और यही काम दिल्ली में भी होना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली में बीच में एक रोड अटका हुआ है, वो है केजरीवाल। जब दिल्ली पुलिस काम करती है, जब लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, तो ये लोग धरने पर बैठते हैं, ये लोग ड्रामा करते हैं, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और क्रिमिनलों को। जी देवेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन जब बीजेपी के नेता इस तरह के बयान देते हैं कि 11 फरवरी को जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो रातों रात शाहीन बाग खाली करा दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी के नेता उनकी ये पीस होती है आदमी को, जब आप किसी पर हमला कर रहे हैं, जब निर्दोष लोग वहां मारे जा रहे हैं, जब वहां लाखों लोग जो नोएडा से दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं, वो 6-6 घंटे गाड़ियों में पड़े हैं, कोई वहां मरीज भी हो सकता, पेशेंट भी हो सकता, गाड़ी में एम्बुलेंस भी हो सकती है, तो देखिए किसी कितनी जाने आप जो दे रहे हैं, कितने लोगों से आप खेल रहे हैं, तो बीजेपी नेता नहीं कोई भी बोलेगा जिसको देश से जरा सा भी प्यार है, जो इस देश के लोकतंत्र को मानता है, जिसे इस देश से जरा सा भी लगाव है, वो ही साहिल बाग पर बोलेगा। आखिर साहिल बाग आप कहिए, हम कह रहे हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह चुके हैं, CAA पर आप बात करिए हमसे, फ्रंट पर आकर बात करिए, आप जहाँ जाओ मीडिया के माध्यम से होते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुली चुनौती दी है, उन्होंने साफ कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुलकर बात करें, बहस करें शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर, जिसे लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। देखिए, मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर आपने कोई CAA से कोई दिक्कत है, आपको NRC से कोई दिक्कत है, CAB से कोई दिक्कत है, तो आप बैठकर इस पर चर्चा करिए, हम काम नहीं कर रहे, डिबेट करिए आप। अरे आप साइन बार बनाओगे, अरे आप जाफराबाद में पुलिस वालों की आग फूकवाओगे, अरे मेरठ को जलवाओगे आप, देश के कोने कोने को बंगाल जलवा दिया आप लोगों ने, कहां से कहां क्या कर रहे हो आप, क्या इसका जवाब कौन देगा? जनता के पीस होती है, नेता के भी पीस होती है, जनता के पीस से नेता निकलते हैं, जब देश की एकता और अखंडता को खतरा होने लगता है, जब उसी के देश में उस पर हमला होने लगता है, जब रोहिंग्या को बसाने के लिए आप सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो बीजेपी का नेता हो या अगर कोई भी और राजभक्त नेता हो, उसको भी पीस होगी, वो बोल सकता है। जी बिल्कुल, देवेंद्र जी हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप अभी तक देखने को मिल रहा है, आम मुद्दे हो चाहे शाहीन बाग का मुद्दा हो, लगातार इसी तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, और अभी तक जो देखने को मिला वो सबसे ज्यादा देखने को मिला नागरिकता संशोधन कानून, NCR NPR का विरोध देखने को मिला, वही दिल्ली का जो माहौल है पूरी तरह
कहां से गरमा दिया गया, नागरिकता संशोधन कानून को मुद्दा बनाकर। वही जब चुनाव करीब आ गए तो अब स्थानीय मुद्दों का झंडा फहराया जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे ही सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता है नेताओं की। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आता है, जब शाहीन बाग की बात की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, कोई स्पष्ट बात नहीं की जाती है। बीजेपी के नेता खुलकर कहते हैं कि 11 फरवरी को बीजेपी की सरकार आती है तो रातों रात शाहीन बाग खाली करा देंगे। वो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो कुछ और ही बयां करता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की बात की जाती है, वो कहते हैं ना हम विरोध करते हैं ना हम समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता, जिसे नारा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली के दबंग, तो दिल्ली के दबंग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसे वोट देना है और कौन उनके लिए लड़ सकता है, कौन उनका अहम चेहरा हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी 8 फरवरी यानी कि कल जब चुनाव होगा तो जनता अपना फैसला लेगी। वही आपको सुनाते चले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। एक बनने के बाद ऐसा एक वातावरण देखा कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट दिल्ली का 1.5 साल 2 साल से कोई बंदा नहीं मिला कि वो प्रेसिडेंट चुना जाए। किसी आदमी को कांग्रेस का नाम लेवा लोग निकलने लगे और केजरीवाल साहब की पॉलिसीज ऐसी थी जिसके अंदर लोग बहुत आकर्षित थे। और जहां उन्होंने बिजली का रेट 200 यूनिट फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिया, एजुकेशन के मामले बड़ा जोर दिया, लेडीज़ को फ्री बस सेवा कर दी, इसी तरह हर जगह पे चाहे वो पानी का हो चाहे एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो, जो भी मुद्दे थे उन्होंने केजरीवाल साहब ने, तीर्थ यात्रा योजना थी एक दफ़ा, लोगों को जो आकर्षित करने वाली चीज़ें थी उसके ऊपर केजरीवाल साहब ने बहुत जोर डालकर और लोगों को इन्फ्लुएंस में लिया। और मैंने उनकी ये सारी बातें देख कर, उन्होंने जिस तरह दिल्ली की जनता को रहत दी है उससे मेरे भी दिमाग में ये आया कि इस टाइम दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए सिवाय केजरीवाल के और कोई नहीं संभाल सकता। के विकास में किसी ने कोई योगदान नहीं किया। चांदनी चौक की गलियों में अगर आप जाएंगे आप देखेंगे कि किस प्रकार चांदनी चौक में बिजली के तार सड़क पर झूल रहे हैं, बिजली के खंभे झुक रहे हैं, टेलीफोन के तार की अव्यवस्थित व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट जलने चालू नहीं है, सड़क पर सीवर का पानी बह रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा, क्षेत्र की जनता तराई तराई कर रही है। हमारे जो इस समय के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो वायदे किए झूठे वायदे, वो चांदनी चौक विधानसभा में कहीं पर भी कोई भी आपने देखा, कह रहे मैंने बहुत स्कूल बनाए, मैंने जो है मोहल्ला क्लिनिक बनाया। अगर आप मुझे कहीं भी जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, पेशेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी नई योजना चांदनी चौक क्षेत्र में विधानसभा में इन्होंने नहीं बनाई। तो मेरा उद्देश्य, मेरा निश्चय है कि चांदनी चौक के अंदर जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो PWD ने टेक ओवर कर ली, ये जो गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, लाल किले से लेकर फतेहपुरी पर सभी मंदिरों, धर्मशालाएँ, सभी धर्मों के यहाँ पर तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, भारत के प्रधानमंत्री को भी, कोई भी प्रधानमंत्री हो उनको लाल किले पर आना पड़ता है, वो चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर ही है। इतना बड़ा बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब चीज़ें हैं, लेकिन सुविधा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह का दंगल देखने को मिल रहा है, स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों की ये लड़ाई चल रही है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आम मुद्दों से लेकर शाहीन बाग तक, यानी कि जनता को कितना भटकाया जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। नागरिकता संशोधन कानून की बात की जाती है, उसके बाद स्थानीय मुद्दों की बात की जाती है, फ्री कार्ड गारंटी कार्ड सामने लाए जाते हैं, वही जब बात शाहीन बाग की आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती नजर आती है। लेकिन इसका कोई हल स्पष्ट रूप में निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला, एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ अपने पैर जमाए हुए है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में देखना होगा कि कितना दिलचस्प ये मुकाबला होगा, इसका परिणाम कितना दिलचस्प होगा। 11 फरवरी को जब जनता अपने वोटों का, जब उसके मतदान के बाद जो मतगणना होगी, मतगणना के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा उसमें ये निश्चित हो जाएगा कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। वही आपको बताते चले कल यानी 8 फरवरी को
सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे, जिसमें दिल्ली के दबंग जो कि चुनाव आयोग ने नारा दिया हुआ है वो निर्णय लेंगे कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किसे वो वोट देते हैं। और इसमें ये भी एक तरीके से ये दिल्ली का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों की लड़ाई देखने को मिली है तो ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट वंदा सिंह जी जुड़ गए हैं। जी वंदा जी, स्टार न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया मैम। जी वंदना जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव कल यानी 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो पूरी लड़ाई देखने को मिली, एक तरफ स्थानीय मुद्दे आम मुद्दे उठाए गए, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दे, कोई भी अछूता नहीं रहा, कोई भी पार्टी अछूता नहीं रही इस राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर, ऐसे में किस तरह का माहौल आपको लग रहा है और जनता को जिस तरह से भटकाया गया है क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? मैडम इसमें नुकसान तो जनता का ही हो रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जो जितनी भी घोषणाएं फ्री की हो रही हैं, एक बात बताइए इसमें, मैंने कल भी ये बात बोली थी, सारी चीजें जनता, पैसे तो सब जनता, टैक्स जो है ईमानदार व्यक्ति ही दे रहा है ना, जनता ही दे रही है ना टैक्स, टैक्स जो उसी से तो विकास होगा ना। और आप झूठे फ्री में बांटते रहोगे सारी चीजें तो कहाँ से होगा, 2 महीने 3 महीने में आप फ्री बिजली फ्री पानी फ्री सब फ्री कर दोगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति अगर फ्री दे रहा है तो किसे लेगा पैसे उसके पास। वैसे भी ये सरकार जब से आई है कुछ ना कुछ घाटे नहीं चल रहा है पानी का। देखिए जब स्टार्टिंग में ये जो है 800 करोड़ का इनके पास जल बोर्ड का प्रोजेक्ट था और अभी जो है 200 करोड़ घाटे में चल रही है, तो इनके साथ तो प्रॉब्लम है ही। ये तो आप दिखा रहे हैं कि मैंने अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छी शिक्षा क्या, 2-4 स्कूल आपने मेंटेन कर लिए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आपने बहुत कॉलेज बनवा दिया और उसको सरकारी स्कूल मेंटेन कर दिया, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ना सरकारी स्कूल अगर आपने बना दिए तो। जी जी वंदना जी, आपसे जानिए जब बात शाहीन बाग की जाती है, शाहीन बाग का जिक्र होता है तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम का इंतजार किया जा रहा है? मैम ये देखिए, कल सारे के साथ शाहीन बाग में जितने लोग बैठे ना, कल वहाँ एक व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, मैं आपको बता रही हूँ, ये गरीब जनता को बहकाया और फुसलाया जा रहा है। वो नासमझ है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें जबरदस्ती लालच दे देकर जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती खाना जबरदस्ती 500-500 रुपए जो भी उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको तो लालच है कि चलो हमें यहाँ बैठ के पूरे दिन बैठ के हमें पैसे मिल रहे हैं, वो कुछ काम तो उनके पास होता नहीं, वैसे भी उनके बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ये मतलब इनोसेंट कह लीजिए आप, इनोसेंट है वो लोग, इनोसेंट है, इनोसेंट का उनका फायदा उठाया जा रहा है। शाहीन बाग में जो सारे के सारे नहीं, बहुत बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग वहाँ पे नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वहाँ का व्यक्ति अनपढ़ है जो वहाँ बैठा हुआ शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए। बिल्कुल वंदना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो दंगल है वो देखना काफी दिलचस्प हो गया है। 8 फरवरी को कल यानी कि मतदान होने हैं, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होंगे। वही आपको बताते चले कि पूरी तैयारी कर ली गई है, बूथ स्थलों पर भी पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वही 11 फरवरी को रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि आखिर जनता ने किसे अपना नेता चुना है, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वही इसी पर ज्यादा जानकारी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से अब कल जब वोटिंग होनी है, आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होने हैं, दिल्ली की जनता की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस होता है, लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दबे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा शिखा आपने, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दबे से नजर आ रहे हैं, दबे हुए नहीं दबे से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं, इस बार का चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया है और इसका असर जो है हमें कल दिखाई देगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, धरना प्रदर्शन या इस तरह की जो व्यवस्थाएँ होती हैं जिसमें धरना प्रदर्शन करते हैं या ज्ञापन देते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये लोकतंत्र का हथियार है। इसके साथ साथ लोकतंत्र के अंदर इसका जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बड़ा हथियार है, वह है मतदान, और कल है मतदान का दिन, तो कल मतदान का दिन है तो जिसकी जो भी राजनीतिक आस्था है या उसकी आवश्यकताएं हैं या वो किस तरह की सरकार चाहता है, और सरकार मतलब किस तरह का प्रबंधन और व्यवस्था चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रतिनिधि चुनेगा और एक सरकार बनाने के लिए उसको आगे बढ़ाएगा।
तो कल का मतदान बहुत ही अहम है और दिल्ली के लिए बहुत अहम है, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है इस वक्त एक ऐतिहासिक चुनाव है। मैं इसको ऐतिहासिक चुनाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, इतने प्रयोग हुए हैं कि जो आने वाली राजनीति की नींव रख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। हमने बहुत ही आक्रामक राजनीति देखी, आक्रामक राजनीति के अंदर हमने बहुत ही बेलगाम बयान सुने, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से आए हो या फिर कांग्रेस की तरफ से, अधीर रंजन का हम जिक्र करें उनकी तरफ से आए हों, किसी ने भी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम बग्गा की बात करें, बग्गा ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए, तो एक आक्रामक राजनीति हमने देखी है और उस आक्रामक राजनीति के अंदर हमने अलग अलग तरह के बयान सुने हैं जिसमें मणिशंकर अय्यर ने शाहीन बाग जाके कातिल कहा। तो ये जो राजनीति है और अब इस राजनीति के अंदर हिंदुस्तान की राजनीति पर अमेरिका या यूरोप की राजनीति का भी असर दिखाई देने लगा है, वहाँ पर भी उस तरह की, यहाँ पर भी उस तरह के फार्मूले अप्लाई करने की कोशिश की गई है या प्रयोग करने की कोशिश की गई कि यदि वो वहाँ पर कामयाब है तो यहाँ कितना कामयाब होगा। तो एक राजनीति को हमने बदलते हुए देखा है। हम यूँ कहें, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिस तरह की राजनीति होती थी, रोटी कपड़ा और मकान को लेकर गरीबी हटाओ जैसे नारे हम सुनते थे, या जेपी के आंदोलन को हम याद करें कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, ठीक है। तो इस तरह के जो आंदोलन हमने देखे, हमने ये भी देखा कि अन्ना आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति को केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया कि हम कश्मीर में आतंकवादियों से लड़े या दिल्ली में बैठे आतंकवादी केजरीवाल से लड़े, तो उसे एक तरीके से राजनीतिक आतंकवादी कह दिया गया, केजरीवाल एक राजनीतिक आतंकवादी हो गए जो आतंक और भय का माहौल पैदा कर रहा है। तो एक अलग तरह की आक्रामक राजनीति हमने देखी है, किसी को कुछ भी कह दीजिए। तो ये जो राजनीति है ये बताती है कि राजनीति के अंदर नैतिकता का पतन हो चुका है, राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है और अपने वोट बैंक को साधने के लिए या बचाए रखने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने जानी दुश्मन और विरोधी के बीच की लकीर को मिटते हुए देखा है। पहले लोग विरोधी होते थे तो, लेकिन बाद में एक भी हो जाया करते थे, कुछ जानी दुश्मन भी होते हैं जो कभी एक नहीं होते, लेकिन वो लकीर हमने मिटती हुई देखी। हमने इस एक डेढ़ महीने के अंदर स्टूडियो को वार रूम में कन्वर्ट होते हुए देखा, हमने ग्लास टूटते हुए देखे, हमने टेबल टूटती हुई देखी, हमने वो सब कुछ देखा जिसमें लोग अब मर्यादित हो गए, गाली गलौज की भाषा का को भी हमने देखा। हमने वो इस इलेक्शन के अंदर हमने मीडिया को भी टारगेट होते हुए देखा कि स्टूडियो के अंदर पत्रकारों को या एंकर को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि पत्रकारों को किसी पार्टी का एजेंट या प्रवक्ता बताने की कोशिश की गई। हमने वो सब कुछ देखा जिसके लिए शायद ये जनता तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक ऐसी तरह की राजनीति है जिसको हम देख रहे हैं, एक ऐसी राजनीति की नींव रखी जा रही है, एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। यदि ये कामयाब रहा तो आने वाले समय में हम बहुत ही निचले स्तर की राजनीति को देखेंगे और वो एक ऐसी राजनीति होगी जो बहुत ही भयानक होगी, बहुत ही गंदी होगी और जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। तो एक बहुत ही खतरनाक राजनीति की एक नींव रखी जा रही है और ये प्रयोग बहुत ही खतरनाक होगा आने वाले समय में। तो ये मीडिया के लिए भी ठीक नहीं है, राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है, हर लिहाज से ये ठीक नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी आप देखें, अगर आपके पास कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के सुभाष चौपड़ा की यदि बाइट आप सुनवाएं के तो आप थोड़ा सा आप समझेंगे कि उन्होंने किस तरह की बयान दिया है और उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। आप चाहे अनुराग जी आपसे बात आगे भी जारी रखेंगे, जानेंगे कि कांग्रेस नेता संजय चोपड़ा ने क्या कुछ कहा। सुभाष चोपड़ा जी, नियोल जी एक ऐसे ही शख्सियत हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने निस्वार्थ पिछले कई सालों से जनता की सेवा की है, खासकर जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। मेरा पूरी तरह से उनके ऊपर आशीर्वाद है, पूरी शालीमार की जनता का आशीर्वाद है उनके ऊपर है। जो आदमी गरीब के उत्थान के लिए काम करता है उसके ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद आता है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड इज़ गोइंग टू बी विक्टोरियस इन दिस कम। तो जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, हमें ये पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरीके से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। हमारे साथ बने हुए हैं अजय शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जी। अजय जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अगर शाहीन बाग की बात की जाए तो जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माया इस पूरी राजनीति में, तो 11 फरवरी को आखिरी दिन मान लें कि शाहीन बाग का मुद्दा यहीं पर खत्म होने वाला है।
देखिए पॉलिटिकल लोग कुछ भी कह सकते हैं कि शाहीन बाग का मुद्दा 11 फरवरी को खत्म हो जाएगा या 8 फरवरी को धरना उठ जाएगा। मैं किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से हटकर अलग बात करूंगा, क्योंकि शाहीन बाग का जो मसला है वो दूसरा है। वो जो है CEA कानून का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? उनको लग रहा है कि ये NRC और NPR का बैकडोर है या इसके माध्यम से सरकार ये लेकर आएगी और मुसलमानों में एक डर और भय पैदा कर दिया गया कि आपकी नागरिकता जा सकती है, क्योंकि बीजेपी को, संघ को या मोदी को जो है मुस्लिम विरोधी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। चाहे वो धारा 370 को लेकर हो, उसमें बताया गया किस तरीके से जो है ये आप उसमें था लेकिन ये हटा दिया गया। राम मंदिर का मसला है जो 72 साल बाद इस देश के हिंदुओं को मिला, जो कि बहुत समय से लंबे कोर्ट में पड़ा हुआ था और उस पर राजनीति हो रही थी, वो राजनीति का मुद्दा बीजेपी ने खत्म कर दिया। 370 का जो मुद्दा था वो भी बीजेपी ने खत्म कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो हाथ था वो बाहरी ताकतों का था। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान की कोशिश रही कि भारत के टुकड़े कैसे किए जा सके या भारत को कैसे हराया जा सके या भारत को नीचा कैसे दिखाया जा सके, जिसके लिए उसने सुनियोजित चाल चली। उसने कहा, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर, भय और भ्रम की स्थिति को पैदा किया और धर्म के नाम पर सब कुछ किया और उसने जो है यहाँ पर बढ़ावा देना शुरू किया, जिसे हम कहते हैं एक इस्लामिक एजेंडा। एक इस्लामिक एजेंडा उसने यहाँ पोषित करने की कोशिश की, जिसमें जो भोले भाले मुस्लिम लोग हैं या कम पढ़े लिखे मुस्लिम लोग हैं वो उसकी चपेट में आ गए और इसको बाहर से फंडिंग होती रही। इस इस्लामिक एजेंडे को यदि किसी ने चुनौती दी है खुलकर तो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने चुनौती दी और उसको लागू या नहीं होने देना की कोशिश की कि ये लागू ना हो पाए, और जब उन्होंने चुनौती दी तो उनको हिंदुत्व का चेहरा पहना दिया गया कि आप हिंदुत्व नेता हैं या हिंदूवादी नेता हैं। लेकिन वो बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो बार बार पाकिस्तान का जिक्र इसीलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड वही 1971 का युद्ध है, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है बदला लेना चाहता है। और पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत कोशिश की है, चाहे वो अमेरिका के माध्यम से कोशिश करता रहा हो या चीन के माध्यम से कोशिश करता रहा हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। भारत ने इसीलिए अमेरिका को साधने की कोशिश की और ट्रंप से एक अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन चीन से उतने अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए अभी तक, और चीन के माध्यम से होता रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि इमरान खान जो है चीन के पास पहुंच जाते हैं और फिर उसको मसला बनाते हैं, तो ये पूरी कोशिश थी। और जो लोग हिंदुस्तान के अंदर वोट की राजनीति के लिए मुसलमानों की राजनीति करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में जो है उस इस्लामिक एजेंडे को प्रोत्साहित करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। तो ये अपने आप में एक अलग तरह की राजनीति है, जिसको समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है और किससे हमें नुकसान हो सकता है। अब बात करें इसकी शाहीन बाग की, शाहीन बाग से भी कोशिश हुई है कि यहाँ से कि भाई किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई है इस देश के हर कोने में, चाहे वो लखनऊ हो, पटना हो, कानपुर हो, या कहीं के शाहीन बाग बनाए जाएँ तो एक ऐसा भय और इस तरह की चीज़ें पैदा की जा सकें और इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही आता है जो लोगों ने अक्सर पूछा भी है, शिखा, फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। शाहीन बाग का मसला, जैसे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस है, गृह मंत्रालय के अंडर में है, तो शाहीन बाग जो है एक तरीके से धरना प्रदर्शन के नाम पर नाकाबंदी है कि आपने नाकाबंदी कर दी, लोग निकल के नहीं जा सके, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ का असर जो है कल के मतदान पे दिखाई देगा और दिल्ली की जनता तय करेगी कि कल दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी से कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, वो दिल्ली की जनता तय करेगी, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है देखना, वही कल यानी कि 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे, जिसमें दिल्ली के दबंग अपने मतदान का उपयोग करते नजर आएंगे। वही 11 फरवरी को रिजल्ट सबके सामने होगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ ABC स्टार न्यूज़ पर।